चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस, विकास, व्यवसाय का विकास, किस तरह से बिजनेस पहले होता था और कैसे कैसे वो बदलता गया और एक ट्रेडिशनल बिजनेस आज एक मॉडर्न बिजनेस बन गया। वी ऑल नो दैट इंडिया हैज अ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज। हम सभी जानते हैं कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर बहुत समृद्ध है। हाउएवर इट इज नॉट नोन टू मैनी दैट इंडिया वॉज अ वेल डेवलप्ड कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमी एंड बिजनेस। लेकिन शायद यह बहुत कम लोग जानते होंगे कि प्राचीन काल में भारत अर्थव्यवस्था तथा व्यवसाय के स्तर पर बहुत ही विकसित देश था। एक्सकेवेशंस, रिटन रिकॉर्ड्स, लिटरेचर एंड अबव ऑल इंडियाज इमेंस वेल्थ दैट अट्रैक्टेड सेवरल फॉरेनर्स टू अटैक इंडिया आर टेस्टिमनी ऑफ दिस फैक्ट। यह बात ऐतिहासिक साक्ष्यों, खुदाई से प्राप्त प्रमाणों, साहित्य व लिखित दस्तावेजों से सिद्ध होती है। इन सबसे अधिक भारत की असीम धन संपत्ति से आकर्षित होकर विभिन्न विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा समय समय पर हुए आक्रमण भी इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं। द इंडियन सिविलाइजेशन वॉज नॉट ओनली एग्रीकल्चर बेस्ड बट देयर वॉज ऑल्सो फ्लरिशिंग ट्रेड एंड कॉमर्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री। इट हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस इन डिफरेंट फील्ड्स। इंडियन बिजनेसेस वॉज यूनिक, इनोवेटिव, डायनामिक एंड क्वालिटेटिवली सुपीरियर टू मेनी अदर कंट्रीज ऑफ दैट टाइम। प्राचीन भारतीय सभ्यता न केवल कृषि आधारित थी बल्कि इसके आंतरिक व बाह्य व्यापार व वाणिज्य भी काफी उन्नत थे। व्यावसायिक जगत के विभिन्न क्षेत्रों में भारत का असीम योगदान है। उस समय के अन्य देशों में प्रचलित व्यवसाय से तुलना करने पर हम पाते हैं कि भारतीय व्यवसाय अपनी विलक्षणता, गतिशीलता, गत्यात्मकता व गुणात्मकता में इन सबसे कहीं आगे था। मतलब भारत कुछ बहुत विकसित था। इन द अर्ली डेज इंडियन इकोनॉमी वॉज टोटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। पीपल यूज टू प्रोड्यूस वॉट एवर दे रिक्वायर्ड फॉर देयर सेल्फ कंजम्पशन। देयर वॉज नो नीड फॉर सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। बट लेटर ऑन नीड्स ऑफ द पीपल इंक्रीज्ड एंड सो डिड द प्रोडक्शन। पीपल बिगेन टू स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट आइटम्स ऑफ लग्जरी एंड डेली यूज एंड डिड नॉट हैव स्किल्स एंड टाइम लेफ्ट फॉर प्रोड्यूसिंग अदर आइटम्स of their use. However, they were able to produce surplus items with increase in their efficiency. So, a system of exchanging surplus items with the items of need was evolved. This was the beginning of trade. Shuru ke dino mein Bharatiya arthvyavastha purnatah krishi aadharit thi. Log apne upbhog ki vastuon ka utpadan swayam karte the. वस्तुओं को बेचने अथवा विनिमय की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन विकास के साथ साथ लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, जिसके कारण वस्तुओं के उत्पादन में भी वृद्धि होने लगी। लोगों ने दैनिक उपयोग तथा विलासिता संबंधी विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता अर्जित करनी शुरू कर दी और इस तरह से उनके पास अपने उपयोग की अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए दक्षता और समय का अभाव होना शुरू हो गया। इस प्रकार इनकी कुशलता में वृद्धि होने लगी और ये अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम हो गए। अतः अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी अधिक उत्पादित वस्तुओं के विनिमय की प्रणाली विकसित हो गई। यह व्यापार की शुरुआत थी। It is normally understood that India has progressed a great deal in the modern time, especially after independence, in the field of business and trade. आज ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि भारत में व्यवसाय व व्यापार के क्षेत्र में इतना विकास स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही हुआ है। India has become a strong country in terms of industrial growth,
so much so that we are able to produce almost all goods of our use indigenously. भारत आज औद्योगिक उत्पादन में इतना सक्षम हो गया है कि हम सभी वस्तुओं का उत्पादन देसी तकनीक के प्रयोग से कर सकते हैं. This, however, does not mean that there was no growth and development in these fields in the past of India. लेकिन इससे यह परिणाम नहीं निकालना चाहिए कि भूतकाल में भारतीय सभ्यता विकासित विकसित या उन्नत नहीं थी. In fact, India has a very rich heritage in trade and commerce which can make any Indian feel proud of. जबकि हमें आज भी भारत की समृद्धि व्यापारिक व वाणिज्यिक धरोहर पर गर्व है. People will be surprised to know that India began its journey in the field of trade and commerce as back as 5000 BC. आप ये जानकर हैरान होंगे कि भारत में व्यापार व वाणिज्य के क्षेत्र में अपनी यात्रा 5000 वर्ष ईसा पूर्व शुरू कर दी थी. Historical evidence are there to prove that there were planned cities were available in India, and at that time historical evidence are there to prove that there were planned cities were available in India at that time, and Indian textile, jewelry and perfumes used to be admired by the people all over the world. कई ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह प्रमाणित होता है कि उस समय भारत में सुनियोजित शहर थे. भारतीय कपड़ों, आभूषणों और इत्र इत्यादि के प्रति पूरे विश्व में आकर्षण था. इंडियन ट्रेडर्स वर यूजिंग करेंसी फॉर बिजनेस सिंस अ लॉन्ग टाइम. देयर यूज्ड टू बी गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स, आर्टिस्टियंस एंड प्रोड्यूसर्स. व्यापारियों, यह भी प्रमाण मिले हैं कि काफी समय से भारतीय व्यापारियों में व्यवसाय के लिए मुद्रा के प्रयोग का चलन था. व्यापारियों, शिल्पकारों व उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए संधों, जिसे गिल्ड कहा जाता है, का प्रचलन था. दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया. यह भारत में व्यापार व वाणिज्य के जटिल विकास की ओर संकेत करता है. अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ इंटरनल ट्रेड रूट्स, इंडिया हैज आल्सो एस्टैब्लिश्ड ट्रेड लिंक्स विद द अरब्स एंड सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया. उस समय भारत के व्यापारियों ने न केवल सुदृढ़ आंतरिक व्यावसायिक रास्तों का जाल बुना था, बल्कि उनके व्यावसायिक संबंध अरब, मध्य व दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारियों से भी थे. इंडिया हैड बीन इन द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ नंबर ऑफ मेटल आइटम्स लाइक ब्रास एंड कॉपर आइडल्स, वेसल्स, ornaments and piece of decoration. India used to export as well as import a number of items to and from different part of the world. It is also well known that the British first came to India as traders, which led to the establishment of their rule here. Bharat विभिन्न प्रकार की धातु सामग्री का उत्पादन में भी सक्रिय था, जैसे तांबा, पीतल की वस्तुएं, बर्तन, गहने तथा सजावटी सामान आदि. भारतीय व्यापारी विश्व के विभिन्न भागों में अपने उत्पादों का निर्यात करते थे और वहां से उनके उत्पादों का आयात करते थे. यह एक सर्वविदित तथ्य है कि अंग्रेज सर्वप्रथम भारत में व्यापार करने के लिए ही आए थे, जिन्होंने बाद में यहां अपना राज्य स्थापित कर लिया. India has also contributed to the world of trade and business in a number of ways. The numerical system of calculation used even in modern time was developed in India. The joint family system and division of labor in business have evolved here, which are practiced even today. The modern technique of customer-focused business has been an integral part of Indian business since long. Thus,
we can say that India has a rich heritage in trade and commerce which has contributed to its growth. भारत ने कई प्रकार से विश्व व्यापार व वाणिज्य में योगदान दिया है. गणना के लिए अंक प्रणाली जिसका हम आज भी उपयोग करते हैं भारत में पहले से विकसित थी. संयुक्त परिवार प्रथा तथा व्यवसाय में श्रम विभाजन का विकास भी यही हुआ जो आज तक प्रचलित है. आज आधुनिक समय में प्रयोग की जाने वाली उपभोक्ता केंद्रित व्यवसाय तकनीक पुराने समय से भारतीय व्यवसाय का एक अभिन्न अंग रही है. इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत की अपनी समृद्ध व्यवसायिक धरोहर है जिसने इसकी उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.